हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2023 और आज के 11 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये पहली अपडेट, भारतीय सेना की भर्ती 18 नवंबर से निरमंड ब्लॉक के ओपेरी पट्टी स्थित सैन्य केंद्र में आयोजित की जाएगी भर्ती। उपायुक्त ने अधिकारियों को सौंपी रैली के सफल आयोजन की जिम्मेदारी। जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के जिले युवा ले सकेंगे भाग। भारतीय सेना की ओर से 18 से 24 नवंबर तक निरमंड के अपेरी पट्टी स्थित मिलिट्री स्टेशन के में भर्ती आयोजित की जाएगी। इसमें जिला शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवा भाग ले सकेंगे। उपायुक्त आदित्य नेगी ने रैली के आयोजन को लेकर सोमवार को आयोजित बैठक में जानकारी दी है। रैली के सुचारू संचालन के लिए रामपुर और निरमंड के SDM नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि रैली स्थल के मुख्य द्वार पर नियंत्रण कक्ष में पुलिस, राजस्व, शिक्षा और खेल विभाग के अधिकारियों के अलावा एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम तैनात रहेगी, ताकि किसी तरह की आपात स्थिति में युवाओं को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ITI सुजानपुर टेहरा में निजी कंपनी 11 को लेगी साक्षात्कार। तो ITI सुजानपुर टेहरा में 11 सितंबर को गुजरात की एक निजी कंपनी की ओर से ITI पास युवाओं के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिटर, बेल्डर, मशीन मैन, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, डीजल मैकेनिक, टर्नर, टूल, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, जनरल ट्रेड में 2016 से 2023 के बैच में पास अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग ले पाएंगे। आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कंपनी चयनित अभ्यर्थियों को ₹21,000 मानदेय देगी। तो ये यहाँ पे दोस्तों अपडेट है, 11 सितंबर को ये साक्षात्कार होगा सुजानपुर टेहरा में, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ITI नए कोर्सों की 50% सीटें भरी। प्रदेश के 17 ITI में शुरू हुए थे 6 नए कोर्स, आज से फिर काउंसलिंग। सूबे के 17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू किए गए 6 नए कोर्सों के प्रति अभ्यर्थियों में खासा क्रेज देखने को मिला है। नए शुरू हुए कोर्सों में 50% से अधिक सीटें भर चुकी हैं। अब कुछ एक ट्रेड ही ऐसे बचे हैं जिनमें अभ्यर्थियों की कमी नज़र आई है, जबकि अन्य कोर्सों के लिए 8 से 10 सीटें भी शेष बची हैं। प्रदेश में 151 राजकीय और 135 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 63 विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के 17 विभिन्न ITI में 6 नए कोर्स भी शुरू किए गए हैं। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर टेक्नीशियन, फाइबर टू होम टेक्निकल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मेंटेनेंस मैकेनिक और टेक्नीशियन मैक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। ITI में रिक्त पड़ी सीटों को भरने के लिए 4 सितंबर को जो है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग हुई थी। अब 5, 6 और 8 को भी संस्थान स्तर पर स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, NIT PG की खाली सीटों के लिए स्पोर्ट टेस्ट साक्षात्कार 8 को। सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समेत 12 विभिन्न भागों में खाली हैं 300 से अधिक सीटें। MBBS BDS की सीटों के लिए काउंसलिंग आज। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और SPU की तरफ से अपडेट ये है कि MSc बोटनी के लिए काउंसलिंग आज, ओके। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मंडी विश्वविद्यालय पर सियासत तेज। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस यूनिवर्सिटी से कांगड़ा और चंबा जिला सहित कुल्लू के आने और निर्मंड के कॉलेजों की संबद्धता हटाने पर आमने सामने हो गए हैं। बगैर विद्यार्थियों के स्कूल खोले उसी तरह विश्वविद्यालय खोला सुक्खू, तो दूसरी तरफ सुक्खू का बस चले तो मंडी को हिमाचल से ही निकाल दें, ये कहा है जयराम ठाकुर जी ने, ओके। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट अपडेट ये रही, MBBS में दाखिला लेने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक। MBBS की खाली सीटों को ना भरने पर हाईकोर्ट ने दिए थे ₹4,00,000 का मुआवजा देने के आदेश। MBBS प्रवेश मामले में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। याचिकाकर्ता को MBBS में प्रवेश के साथ कोस्ट के 20,000 का ठहराया था हकदार। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मोटर मैकेनिक को 9% ब्याज समेत लुटाने होगी कार की कीमत। उपभोक्ता फोरम ने दिए मानसिक यंत्रणा के हर्जाने में 30,000 और कानूनी खर्चे के आदेश। मोटर मैकेनिक के ने ना तो कार ठीक की और ना ही उपभोक्ता को लौटाई थी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तबादले के बाद 2 दिन में अधिकारी कर्मचारी को करना होगा पदभार मुक्त। CM
सीएस ने प्रशासनिक सचिवों, विविध विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को जारी किए सख्त निर्देश। 30 किलोमीटर से कम दूरी पर एक दिन में संभालना होगा पदभार। 5 दिन में 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तबादला होने पर अधिकारी करेंगे ज्वाइन। अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान। 11 से 25 सितंबर तक शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर रोक। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कालका से कोटी तक आज से दौड़ेंगी दो रेलगाड़ियाँ। मूसलाधार बारिश से डेढ़ माह से पूरी तरह से बंद पड़ा था ट्रैक। अम्बाला मंडल के DRM ने किया निरीक्षण, ट्रायल भी सफल। दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, वहीं ट्रैक को पूरी तरह से कोटी तक ठीक कर लिया गया है, जिसके बाद रेलवे बोर्ड की ओर से दो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला यहाँ पे लिया गया है। इससे लोगों को काफ़ी जो है सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, निजी चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% उपदान सुखू। मुख्यमंत्री बोले, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए बनेगी प्रभावी नीति। राष्ट्रीय उच्च मार्गों को विद्युत वाहनों के माध्यम से 6 ग्रीन कॉरिडोर में विकसित कर रहे हैं। ई फाइल प्रणाली से कार्य करने के दिए निर्देश, मंडे मीटिंग। तो शिमला में अफसरों के साथ बैठक करते CM सुखू। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत प्रभावी नीति अपनाएगी। प्रदेश में प्रथम चरण में राष्ट्रीय और राज्य उच्च मार्गों को विद्युत वाहनों के माध्यम से 6 ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन मार्गों की लंबाई 2137 किलोमीटर है और यह जानकारी उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो 6000 अध्यापकों समेत 10000 पद भरेगी सरकार सुखू। CM बोले, कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर बनेगा राज्य चयन आयोग। सबल योजना का शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग बनेगा। नए आयोग के माध्यम से जल्द शिक्षकों के 6000 पदों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा वन विभाग में 3000 वन मित्रों की भर्ती की जाएगी और पुलिस विभाग में 1200 पद यहाँ पे भर जाएंगे, जो नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्य चल के रूप में कार्य करेंगे। 10000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगी सरकार। और बस सोमवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई भर्ती रद्द नहीं होगी। जो भी भर्ती होगी पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से होगी। परीक्षा देने के एक हफ्ते के भीतर परिणाम जारी होगा। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट 8 माह या 2 साल से लंबित है, उन्हें आयु में छूट दी जाएगी, जिससे वह भर्तियों के लिए आवेदन कर सकें। तो ये दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज भरी जाएंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और एक हफ्ते में रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम होने के बाद, और कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से होंगी अब परीक्षाएं। तो यही थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।